दिखने में तो इतना छोटा सा है लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। अपना फाउंडेशन या कंसीलर जो है वो मैं इसी स्पंज से भी ब्लेंड कर सकती हूँ। लेकिन सीखी कितना फ्लफी है, बहुत पसंद है मुझे ये वाला ब्रश। व्हाट्स इन माय मेकअप पाउच वीडियो। हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। मेरे मेकअप पाउच में मैं क्या क्या चीज़ें रखती हूँ, एज यू ऑल नो कि मैं एक न्यूज़ रीडर हूँ, उसके साथ साथ मैं स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं अपने मेकअप पाउच में वो सारे एसेंशियल चीज़ें रखती हूँ जो मुझे ग्लैम्ड अप लुक अचीव करने में हेल्प करें, उसके साथ साथ मेरे न्यूज़ रीडिंग के लिए भी हेल्प करें। और बाय द वे मैं इस पाउच के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये है फ्रॉम द ब्रांड मिनी एंड जोन्स। बहुत ही सटल सा एक ब्राउन कलर का मेकअप पाउच है जो मुझे बहुत क्लासी लगता है। आप इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये यूनिसेक्स है इनफैक्ट। और इसके साथ आपको बहुत सारे कार्ड्स वगैरह एंड गारंटी कार्ड वगैरह मिलते हैं, एंड यहाँ पर थैंक यू कार्ड एंड एवरीथिंग यू गेट। आप अगर इसे परचेस करना चाहते हैं तो अमेजन पर ये इजीली अवेलेबल है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड दिस। तो इसमें सिंगल चेन है, मैं कोई स्लिंग बैग कैरी कर रही हूँ तो उसके अंदर भी मैं इसे कैरी कर सकती हूँ, मैं अपने बैकपैक के अंदर भी कैरी कर सकती हूँ, इनफैक्ट मैं अपने हैंड बैग में भी इसे कैरी कर सकती हूँ। फर्स्ट जो मेरे पास है वो है ये फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर, तो मैं हमेशा इसे कैरी करती हूँ क्योंकि इसमें एक मिरर है। तो मिरर होने की वजह से क्या है कि मैं कहीं पर भी टचअप वगैरह कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं फाउंडेशन कैरी नहीं करती। अगर मुझे ऑन द गो कहीं पर रेडी होना है तो मैं कंसील कर लेती हूँ अपने फ्लॉस, जैसे कि अंडर आईज या फिर पिगमेंटेड एरियाज या फिर डार्क स्पॉट्स। ये है Maybelline Fit Me Concealer and my shade is 02। And yeah, brushes में मैं हमेशा दो brushes carry करती हूँ। ये वाला है एक eyeshadow brush, तो मैं बस यही brush carry कर सकती हूँ। इससे अगर blending का काम है तो वो भी हो जाता है, अगर eyeshadow application है वो भी होता है। Face के लिए मेरे पास एक ही brush है, वो है this brush। ये बहुत ही छोटू सा एक handy brush है, ये बहुत fluffy है। ये brush मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे मैं अपने जो concealer है उसको भी blend कर सकती हूँ। आई वॉन्ट ब्लश को भी ब्लेंड कर सकती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर को भी अप्लाई कर सकती हूँ। सो इट्स मल्टीटास्किंग। सो नेक्स्ट मेरे पास काजल है, काजल है फ्रॉम द ब्रांड एन वाई बे, द बिग एप्पल ऑफ माई आई। ये एक कूल स्टिक है और बहुत डार्क इंटेंस ब्लैक कलर है इसका, तो मैं ज़्यादातर काजल अप्लाई करके उसे स्मोक आउट कर लेती हूँ, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। मैं एक बात बताऊँगी कि अगर आपके आईब्रोज एकदम शेप में हैं तो आपका लुक ही एकदम चेंज हो जाता है, तो मैं हमेशा आईब्रोज को ग्रूम करती हूँ सबसे पहले। मेरे मेकअप किट में हमेशा आईब्रो ग्रूमिंग के जो किट है वो रहता है, एक एम्प्टी स्पूली है और इससे मैं अपने आईब्रोज को ब्रश आउट कर लेती हूँ, एंड यहाँ पर है माई आईब्रो पेंसिल। सो नेक्स्ट मेरे पास है मस्कारा। ओके, सो मस्कारा, अगर आप काजल भी अप्लाई ना करें, उतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप मस्कारा को अप्लाई करें एंड दैट विल बी इनफ। और मस्कारा से आप अपने आईब्रोज को शेप भी कर सकते हैं। हर्बल हैंड सैनिटाइजर है, एक लेमन वेरिएंट का ये वाला सैनिटाइजर है, एकदम छोटू सा पैकेट है, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेट है, तो मैं कहीं अगर मुझे मेकअप करना है तो मैं हमेशा अपने हैंड्स को पहले सैनिटाइज करती हूँ, उसके बाद मेकअप करती हूँ। दैट्स वाई मेरे पास हमेशा ये एक दो तो पैकेट रहता ही है मेरे मेकअप पाउच में। सो रबर बैंड्स वेरी एसेंशियल, कहीं पर भी हेयर स्टाइल चेंज करना है तो रबर बैंड्स दो तीन आपके पास होना चाहिए। ओके, तो मेरे पास कोई छोटा सा मॉइस्चराइजर वगैरह मैं कैरी करना पसंद नहीं करती, मैं हमेशा मेरे मेकअप पाउच में एक फेशियल ऑयल रखती हूँ। तो ये वाला है फ्रॉम द ब्रांड गुड वाइब्स, ये एकदम छोटा सा 10 ml का एक बॉटल है फेशियल ऑयल का। तो अगर मैं फेशियल ऑयल के ऊपर कंसीलर वगैरह करके मैं मेकअप करती हूँ तो मेरा मेकअप बेस जो है वो फ्लॉलेस दिखता है, नेचुरल दिखता है और बहुत ही ग्लोई फेस हो जाता है। नेक्स्ट है ये वाला कॉम्ब, ये लगभग खाली ही हो चुका है, लेकिन मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ लिपस्टिक्स। तो मैं हमेशा दो लिपस्टिक्स तो कैरी करती ही हूँ, एक है ब्लश के लिए, ये एकदम लाइट पिंक कलर का है एनवाइबल लिपस्टिक्स। रिसेंटली मैंने एनवाइबल लिपस्टिक्स के सारे स्वॉचेस शेयर किए हैं, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो दिस वन इज़ फॉर माई ब्लश एज वेल एज फॉर लिपस्टिक, लाइट कलर अगर पिंक कलर मुझे चाहिए तो। एंड ये है डार्क कलर का, ये इनसाइड का एक लिपस्टिक है, ये एकदम डार्क लिपस्टिक है, तो अगर आपको थोड़ा सा ग्लैम्ड अप लुक मुझे चाहिए तो मैं ये लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। अगर आप कुछ भी अप्लाई नहीं करते, सिर्फ आईब्रोज को ग्रूम करके लिपस्टिक अप्लाई करते हैं, दैट विल बी इनफ। सो इसीलिए एक डार्क कलर और एक लाइट कलर रहता है मेरे पास। एंड या लिप बाम भी मेरे पास है, ये वाला है ब्लू हेवन का लिप बाम। मेरे पास है ये सेफ्टी पिंस, सो गर्ल्स सेफ्टी पिंस आर सेवियर्स। सो लास्ट जो दो चीज़ें हैं मेरे पास वो मल्टीपर्पज के लिए है, एक है ये वाला ब्राउन कलर का पेंसिल, दूसरा है ये वाला
लिप लाइनर रेड कलर का. तो ये जो डार्क रेड कलर का लिप लाइनर है ये एक्चुअली मैं होल एज अ लिपस्टिक इस्तेमाल करती हूँ. दूसरा मेरे पास ये वाला एक ब्राउन कलर का पेंसिल है जो मुझे कॉन्टोरिंग के लिए ज्यादा पसंद है. अगर न्यूड लिप्स चाहती हूँ मैं तो इसे ही मैं लिपस्टिक के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ. सो नाउ यू कैन सी कि माई बैग इज टोटली एम्प्टी. आज का वीडियो यहाँ तक ही था. होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल. को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय.